विच दुनिया सेव कमाई है ते दरगह बैसन पाइए। कुछ शख्सियतां अजिहियां हुंदियां ने जो खास तौर पर भावें शरीरक तौर पर साडे विचकार नहीं पर एक वड्डी देन समाज नूं दे दिंदियां ने। असीं खड़े हाँ फगवाड़ा जलंधर मार्ग ते स्थित पिंड हरदासपुर दे विच, और इसे हरदासपुर पिंड दे विच 1937 दे विच एक अजिही शख्सियत का जन्म होया जिसकी बहुत वड्डी देन समाज नूं रही है। जी हाँ, पिता रतन सिंह अते माता प्रीतम कौर की कुखों जन्मे सरदार केवल सिंह बैंस ने अपनी मुढ़ली विद्या इसे ही पिंड तो हासिल की। 1966 विच कैनेडा चले गए और उत्थे जाके एक बहुत छोटे टाउन दे विच जिंदगी नूं अगे वधाउण लगे। बहुत वड्डियां मुश्किलां भी आईयां और वड्डा परिवार भी सी, पर सरदार केवल सिंह बैंस ने अपनी मेहनत नाल और खास तौर पर अपनी लगन दे नाल कैनेडा दी इस ओपरी धरती दे विच भी एक अजिही स्थान बनाया अपना जो खास तौर पर विशेष है। अपने जीवन नूं निर्वाह करन तो बाद जदों वो खास तौर पर उम्र के आखिरी पड़ा दे विच आए तो उन्होंने कैनेडा दे विच गुरद्वारा साहब दे लई भी विशेष सेवा की। इस मौके धार्मिक प्रोग्रामां ते लंगर की व्यवस्था के नाल नाल सीनियर सिटीजन दे लई भी खास तौर पर उन्होंने वड्डा काम किया, पर पिंड हरदासपुर दे विच उन्हां दी देन जानी जाती है। अज असीं खड़े हाँ उसे ही जगह ते, तुसीं देख रहे हो मेरे बिल्कुल इस पासे, इस वेले गुरद्वारा साहब दे नाल एक इमारत बनी हुई है जिस विच उन्होंने अपनी जमीन नूं गुरद्वारा साहब लई दान किया। इस तों इलावा गुरद्वारा दी नवीनीकरण दे विच भी उन्हां दे परिवार ने बहुत वड्डा योगदान पाया। अज केवल सिंह बैन साडे विचकार नहीं, पर उन्हां दियां काफ़ी खूबसूरत यादां है जो हमेशा ही उन्हां नूं ताज़ा करदियां ने। उन्हां दे पांच बच्चे होए अते 13 जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर होईयां जो कि अज अपने अपने परिवारां विच खुशी दा आनंद माण रहे ने। सरदार केवल सिंह बैंस दा समुच्चा जीवन गुरसिखी नाल ओतपोत रहा, उन्हां दा गुरु घरां नाल खासा प्यार रहा। जिथे कैनेडा विच आप गुरद्वारा साहब नाल जुड़े रहे उत्थे अपने जद्दी पिंड हरदासपुर विच उन्हां गुरद्वारा शहीदां सिंघां विच रहायशी कमरियां लई अपनी जमीन दान दित्ती। उन्हां दे परिवार वल्लों समें समें ते गुरद्वारा साहब दे नवीनीकरण कराउण विच अहम उपराले भी कीते गए। खेडां नूं उत्साहित करन लई नौजवानां नूं इस पासे लाउण लई बनाए जिम विच वी बैंस परिवार दा विशेष योगदान रहा। सरदार केवल सिंह जी सच्चे पातशाह जी हो जिन्होंने कि अपनी विरासती काफी प्रॉपर्टी आप जी पावन स्थान गुरुद्वारा शहीदा सिंह विखे सच्चे पातशाह जी हो दान वजो सेवा की। सच्चे पातशाह जी गुरमुख प्यारे कुछ दिन पहला आप जी वालों बख्शी हुई सवासा की पूंजी भोगते हुए परलोक गमन कर गए सन। सच्चे पातशाह जी हो उन्हां दी पावन मिठी याद नूं समर्पित आप जी पावन स्थान गुरद्वारा शहीदा सिंह विखे सच्चे पातशाह जी हो सरबत संगतां दे वलों गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वलों सच्चे पातशाह जी हो समूह हरदासपुर दीआं संगतां दे वलों श्री सहज पाठ साहब आरंभ करवाए जा रहे हन। सच्चे पातशाह जी हो कृपा करनी पाठी सिंघां नूं शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना, सेवादारां नूं सेवा करन दा बल बख्शना। सच्चे पातशाह जी ओ कृपा करनी सरदार केवल सिंह जी दे समूह परिवार दे सिद्धे उत्ते अपना मेरा भरिया हथ रखना, सरदार केवल सिंह जी नूं अपने चरण कमलां दे विच निवास बख्शना, परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शना। सच्चे पातशाह जी ओ कृपा करनी
ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਪ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਜਿਨ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 3 ਵੱਡੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਚਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।